खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। शराब माफिया को शराब बेचने से मना करने पर दुकानदार पर किया गया हमला। दुकानदार जमुई हुआ रेफर। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र के झाझा बाजार के दुकानदार संजीव प्रसाद के साथ दो लोगों ने मिलकर मारपीट की। मामला उस वक्त का है जब दुकानदार संजीव प्रसाद ने ग्राहक से पैसा लेकर दुकान पर पहुंचे, तभी दो लोग रोशन कुमार और बबलू बर्नवाल हथियार से लैस दोनों दुकान पर पहुंचकर मारपीट करने लगे। तभी संजीव प्रसाद कुछ समझ पाते, इतने में हथियार के बल पर दुकान के गलने में रखा 50,000 रुपए लूट लिया गया। आपको बताते चले कि संजीव प्रसाद ने बबलू बर्नवाल को, रोशन कुमार को कभी शराब बेचने से मना किया था, जिसको लेकर रोशन कुमार और बबलू बर्नवाल ने संजीव प्रसाद पर हमला किया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। खबर 365 न्यूज के लिए जमुई ब्यूरो संजीत वर्णवाल की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है व्यवसायी संजीव जी? जमुई कोर्ट से आया हूँ, पर डे इनके दुकान पर हम 5-10 मिनट के लिए सामान के लिए बैठता हूँ। हमने अचानक देखे रोशन कुमार आया और इनके साथ सिंतू बनवा साथ गाड़ी घूर करने लगा और इतना गाड़ी घूर करने लगा, कहते कहते दोनों तरफ से बहुत तरह बातचीत होने लगा। उसके बाद इनके पिताजी भी आया, बगझा करते 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 दोनों तरफ से मारपीट हुआ। फिर दुकान में क्या सामान था नया सामान था हम देखे नहीं, लेकिन ये लोग सब मिल करके है ना बगझा करते करते कुछ सामान कुछ निकाला गया। हम कहाँ से निकाला? गला से निकाला, गला से है ना। उसके बाद फिर ये बेचारा बहुत प्रयास किया कि आप हमारे घर में, आप मेरी दुकान में क्यों आए हैं, और इसका विरोध करने बाद क्या उसके हाथ में हथियार वगैरह भी था क्या? उन लोगों हथियार था, इन्होंने विरोध किया कि हमारे दुकान पे इस तरह क्यों कर रहे हैं। उसके बाद इनके साथ हथियार से वार किया। कौन किया? रोशन कुमार रोशन कुमार किया। ठीक, संजीव प्रसाद उप सिंटू बनवाल है। घर कहाँ है आपका? मैं DSM कॉलेज रोड पुरानी बाजार का रहने वाला हूँ। मेरा एक राशन दुकान है स्टेट बैंक के सामने, बरसों पुराना है। और क्या हुई है आपके साथ? आज शाम 6 बजे मैं अपने दुकान पर बैठा हुआ था और दुकानदारी कर रहा था। मेरे पिताजी भी थे, भाई साहब भी आए हुए थे तगादा करके बाजार से। इतने में बबलू बर्नवाल, रोशन बर्नवाल दोनों जो है हमारे दुकान पर चढ़ गया पिस्तौल लेके। ये दोनों कौन है? ये दोनों तिलवरिया के रहने वाले और झाझा में हाल में ही बसे हैं, और इनका दुकान पीहर के पास है। और इनका मैंने इनका विरोध किया। ये लोग साइड धंधा करते हैं। क्या चीज़ का? ये लोग साइड धंधा दारू महुआ ये सब का काम करते हैं। कितना बार ये लोग पुलिस रिकॉर्ड देख ले सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये लोग खाली एक मुखौटा यहाँ बना के रखे हैं कि यहाँ पर हमारा जो है दुकान है, साइड धंधा ये लोग चलते रहे। हमको जानकारी हुआ तो हमने क्या ये सब करते हैं, ये सब अच्छा बनवा विरोध जताया। हाँ, थोड़ा विरोध जताया, पता नहीं उनको कुछ चढ़ा उड़ा दिया क्या किया। अचानक दुकान पर आए और सीधा जो है पिस्तौल दिखा के बोले जितना गल्ला में रुपया है सब दे दो। कितना पैसा था गल्ला? लगभग तगादा वादा करके दुकान का बिक्री या 2-3 दिन पहले का भी बिक्री था, क्योंकि महाजन का हम लोग का लेन देन महाजन से होता है, लगभग 50,000 रुपया लगभग था। क्या चीज से आप पर प्रहार किया गया? मेरे पर उसके हाथ में क्या था धारदार हथियार हम नहीं जानते हैं। हम उसके पीछे जब दौड़े, पैसा तो ले लिया, जब हम पीछे दौड़े रोड पर कि उतने भीड़ में कोई तो बचाएगा हमको, भीड़ समर्थन करेगा, उतने में वो धारदार हथियार हमारे मुंह पर चला दिया जिससे हम जख्मी हो गए। मारा कौन? मारा मारा रोशन उसका बेटा मारा है, ठीक है। विनोद बनवाल भी हमारा बाल पूरा खींचा है। दोनों बाप बेटा? हाँ, दोनों बाप बेटा है। पता नहीं हमको जान से मारने की नीयत से आया, किस नीयत से आया, जैसा मुझे जख्मी किया लगता जान से मारने की नीयत से आया था। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।